नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। शहीद भगत सिंह नगर पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। एक सदस्य 10 पिस्टल सहित किया काबू। होशियारपुर के हलका गढ़शंकर पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। 6 महिलाओं समेत 11 लोगों को किया गिरफ्तार। श्री आनंदपुर साहिब नंगल मुख्य मार्ग पर एक निजी स्कूल के विद्यार्थियों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। कुछ बच्चों को आई मामूली चोटें। अरब हलचल विस्तार से। शहीद भगत सिंह नगर पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंधी आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी अखिल चौधरी ने बताया कि गैर कानूनी हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध हथियार की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को काबू कर उसके पास से 10 पिस्टल बरामद की। उक्त आरोपी अवैध हथियार मध्य प्रदेश से लेकर आया था और ये खेप पंजाब और हिमाचल क्षेत्र में सप्लाई करनी थी। उन्होंने बताया कि अरुण कुमार उर्फ मनी नाम का व्यक्ति इसे निर्देश दे रहा था, जिसके खिलाफ पंजाब के कई जिलों में और हिमाचल में कई मामले दर्ज हैं। और पकड़ी गई खेप किसे सप्लाई करनी थी ये तो अरुण कुमार उर्फ मनी से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी बलकरण सिंह होशियारपुर का रहने वाला है और 12वीं पढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी पहली बार अवैध हथियार की खेप लेकर आया था। आरोपी के ऊपर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि अरुण कुमार उर्फ मनी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की जाएगी, जबकि पकड़े गए आरोपी बलकरण सिंह का 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। टीम शहीद भगत सिंह नगर पुलिस वालों एक इंटर स्टेट गैंग नू बस्ट किया गया, जिसके एक मैंबर से 10 पिस्टल्स रिकवर किए गए ने, जो पंजाब ते हिमाचल ते इन्होंने सप्लाई करने सी। तो इस रिकवरी ते शहीद भगत सिंह पुलिस नगर पुलिस ने काफ़ी ऑपरेशनली चंगा काम किया है। तो इन वैपन्स की यूजेज से पहले ही इन्हों इंटरसैप्ट कर लिया गया। तो जो एक एक्यूज नू एप्रीहेंड किया गया है उसके अगे भी काफ़ी पुछगिछ से लिंकेजिज के गल निकल की उम्मीद हैगी। ये जो है वैपन्स की कंसाइनमेंट मध्य प्रदेश तो लेके आया सीगा, तो इसनों जो डायरेक्शन है ये मनी नाम का बंदा दे रहा है, जिससे पहला भी आम सैक्ट के वक् वक् थावान से हिमाचल से पंजाब के वक् वक् जिले से परचे है। फर्दर किनू सप्लाई करना सी ये तो मनी की पुछगिछ से ही गल सामने आऊगी, बट ये जरूर हैगी कि पंजाब के एरिए काफ़ी इतने वैपन्स की जो रीसेंट पास्ट एम पी के वैपन्स आए है, ये चंगा काम होगा कि किसी भी वारदात तो पहला ही उन्होंने फड़ लिया गया। होशियारपुर के हलका गढ़शंकर पुलिस ने शहर में चल रही एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 6 महिलाओं समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना गढ़शंकर के SHO बलजिंदर सिंह मल्ली ने बताया कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार असामाजिक तत्वों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने पुलिस के साथ शहर के बंगा चौक पर नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि राजेश्वर सिंह उर्फ रॉकी निवासी गढ़शंकर, मंजीत कौर उर्फ रमा निवासी मुबारकपुर के साथ मिलकर अपने घर में अवैध कारोबार चला रहा है, जिसके बाद महिला पुलिस की मदद से घर का दौरा किया गया तो 6 महिलाओं सहित 11 लोग आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने उन्हें मौके पर से ही गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान राजेश्वर सिंह, सागर मोहम्मद, रानी गुरमीत कौर, पूजा मिनुन निवासी गढ़शंकर, सतेंद्र कुमार चांद निवासी डांसीवाल, सौरभ निवासी मोतिया, पवनवाली निवासी मुबारकपुर, मंजीत कौर उर्फ रमा निवासी मुबारकपुर, सुखी निवासी सतनौर के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। उन्हें मुखबर खास ने दस्या भी जी रमा तो राजेश्वर इक्की ने जोड़े पेंसरिया मोहला गढ़शंकर जोड़ा ये चकला चलाते धंधा करते हैं। जो इंस्पैक्टर कुलदीप सिंह वालों समेत लेडी फोर्स ने उत्थे छापामारी की, तो उतों रमा समेत राजेश्वर इक्की समेत 6 औरतों तो 5 जोड़े व्यक्ति सके वक् वक् इलाके रहने वाले, कोई अमृतसर का, कोई जलंधर का, कोई नवें शहर का,
कोई मालपुर साइड का इन्होंने उत्थे इतराजोग हालत में असी उ इन्हों अरैसट किया। इन्ह का जोड़ा इन्हों को पैसे भी उतो बरामद होए है कौ मतलब जोड़े बरामद होए उतने घर के मतलब जोड़े इलाके के लोग से काफ़ी इन्हों तो दुखी सके तो जिदे करके इन्हों के खिलाफ एफ आई आर नंबर 27 मिति 6/2024 अंडर सैक्शन 3/4-5 अमोर एक्ट तहत मुकदमा दर्ज किया। अज इन्हों मानजोग अदालत में पेश करके इन्हों का रिमांड हासिल किया जाऊगा। यह काफ़ी समय तो कर रही थी श्री आनंदपुर साहिब नंगल मुख्य मार्ग पर गाँव जिंद वड्डी के एक निजी स्कूल के विद्यार्थियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बीच राहत भरी बात ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ बच्चों को मामूली चोटें आईं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं जिस समय ये हादसा हुआ उस समय बस बच्चों से भरी हुई थी। मौके पर ड्राइवर की सूझबूझ से छात्रों की जान बच गई। स्कूल की छुट्टी होने के बाद छात्र स्कूल बस से घर वापस जा रहे थे कि तभी बस की अज्ञात वाहन के साथ टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्कूल बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिए। श्री आनंदपुर साहिब के DSP अजय सिंह भी अपनी पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तरन तारण के अधीन आते गांव आंसल उताड़ के अड्डा टहलीवाला के नज़दीक चल रहे एक नशा छुड़ाओ केंद्र में दाखिल करवाए नौजवान की सेंटर के मालिक तथा कर्मचारियों द्वारा मारपीट कर उक्त नौजवान की बाजू तोड़ देने का मामला सामने आया है। पीड़ित नौजवान की पहचान मनदीप सिंह निवासी वार्ड नंबर 4 भिकीबिंड के तौर पर हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पारिवारिक सदस्यों के द्वारा थाना बलटोहा की पुलिस की मौजूदगी में अपने नौजवान बेटे को नशा छुड़ाओ केंद्र से लाकर सिविल अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। इस संबंधी पत्रकारों को जानकारी देते हुए घायल नौजवान मनदीप सिंह और उसके जीजा बलदेव सिंह ने बताया कि 11 जनवरी को सुबह 9 बजे न्यू लाइफ ड्रग काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के व्यक्तियों द्वारा मनदीप सिंह को उसके घर से अपने सेंटर ले गए थे, जिसके 3 दिन बाद मनदीप सिंह की तबीयत खराब होने संबंधी नशा छुड़ाओ सेंटर के अधिकारियों को कहा कि उसे दवा दिला दी जाए। तो नशा छुड़ाओ केंद्र के मालिकों और कर्मचारियों के द्वारा मनदीप सिंह के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई और उसकी बाईं बाजू तोड़ दी गई और इस घटना संबंधी परिवार को सूचित भी नहीं किया गया। और जब 10 दिन बाद उन्हें इस संबंधी पता चला तो उन्होंने थाना बलटोहा की पुलिस को सूचित किया। वह थाना बलटोहा की पुलिस की मौजूदगी में मनदीप सिंह को नशा छुड़ाओ केंद्र में से वापस लाया गया, जिसके बाद इस मामले संबंधी लिखित शिकायत थाना बलटोहा के SHO मैडम सुनीता बाबा को दी गई। इस मौके पर SHO सुनीता बाबा ने कहा कि इस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त नशा छुड़ाओ केंद्र का लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तरनतारण के सिविल सर्जन से जानकारी लेकर बनती कार्रवाई की जाएगी। भिकीबिंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। की नाम है जी दादा? मनदीप सिंह। केड़ा पिंड है? भिकीबिंड। की गल हुई है जड़ी तुहाडी मां ते साथ ए जी? मैं नशा छंडन वास्ते सेंटर च आया ही। केड़ा सेंटर है? ए हैगा जी टाली अड्डे अमरकोट तो अगले बन्ने। अच्छा जी। नशा छंडन आया ते मैं 2 दिन बाद टोट वजन लगी तो मैं दवाई मंगी तो इन्होंने मैं 4 जणियां ने लत्त बाहों फड़िया तो 5 जणे ने मैनू कुटिया है पीने की चीज मारी कुटे डंग ना कुटिया तो मेरी बांह ते डंग मारी ने बांह टुट गई तोड़ दी। अच्छा बांह तोड़ दी? हाँ जी। किन्नी तरीक की गल है? ये हैगी है जी जिदन मैं 11 तरीक नु आया वा दूजा दिन छड के तीजे दिन बांह टुट गई मेरी। अच्छा इलाज कराया? इलाज करवाया। इलाज इन्हां 10 दिन मैं हफ्ता के इन्हां नु कहना रहा मेरी बांह पीण हुंदी है ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਗਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਕੋਟ ਖਾਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਸਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਰਿਸਪੋਂਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਰੀਸੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
अमृतसर में गत दिनों पतंगबाजी को लेकर हुई लड़ाई के बाद एक नौजवान को गोली मार दी गई थी, जिस कारण नौजवान की मौत हो गई थी। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 घंटों के अंदर कत्ल केस के दो आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी डॉक्टर प्रिया जैन ने बताया कि पुलिस ने मृतक हरमनजीत सिंह के पिता जसवीर सिंह के बयानों पर मामला दर्ज कर अलग अलग अधिकारियों की अगुवाई में टीमें बनाई थी। इन टीमों द्वारा टेक्निकल और वैज्ञानिक तरीके से जांच करते हुए आरोपियों की पहचान कर उन पर लगातार रेड की गई, जिसके चलते जुगराज सिंह उर्फ लाल और शमशेर सिंह उर्फ शेरा को लुधियाना से 12 घंटों में गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया गया है ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, ताकि इनके बाकी साथियों को काबू किया जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सारे साडे मुलाजिम है, उन्होंने दिन रात एदे इच काम किया एंड इन लेस देन 12 आवर्स नॉट ओनली डिड वी आइडेंटिफाई द परपेट्रेटर्स, जेडे पहले बिल्कुल एक ब्लाइंड केस सी उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया, तो बहुत ही टेक्निकल तरीके नाल ते मुस्तैदी दिखाते हुए उन बंदियां दी जड़ी पहचान करन तो बाद उन्होंने रेडा कीतियां ते उन्होंने चेज करते हुए आप लुधियाने तक पहुँचे, तो एक जॉइंट ऑपरेशन एंड विद अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन ऑफ लुधियाना पुलिस पर सारे ने उतो ये 3 जड़े मेन एक्यूज ने उन्होंने उतो अरेस्ट किया। मामला एक भी रंजिश था मैम, लगता कि कोई जी एदे इच जी जड़ी एफआईआर नंबर रजिस्टर हुई वो एफआईआर नंबर 17 डेटेड 5/2/2024 अंडर सेक्शन 302, 307, 427, 148, 149 आईपीसी एंड 2527 आर्म्स एक्ट रजिस्टर होया सी बी डिवीजन। जिदा ही सानू इनफॉर्मेशन आई ऑल द सीनियर ऑफिसर्स रश टू द स्पॉट, मैं बहुत सारे ताडे विचो भी उत्थे साडे फ्रेंड्स मीडिया कलीग्स उत्थे सीगे एंड यू कुड सी कि इस केस नू आपां किन्ना सीरियसली लिया एंड रातों रात टीम्स बना के वक-वक टीमां इहदे विच एटलीस्ट 5-7 टीम्स दे वर्कड द एंटायर नाइट। राज्य की सड़कों को नया बनाना पंजाब सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उक्त बात का प्रगटावा कैबिनेट मंत्री पंजाब हरभजन सिंह ईटीओ ने करोड़ों रुपयों की लागत से दसुहा कमाही देवी सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाने के दौरान किया। उन्होंने बताया कि 20.23 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य 26 सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के सड़की नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है और राज्य में कोई भी काला धब्बा नहीं छोड़ा जाएगा। इस मौके पर इलाका विधायक करमवीर सिंह घुम्मन भी मौजूद रहे। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। मैं अज माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का और विशेष तौर पर साडे लोक संपर्क मंत्री साडे सरदार हरभजन सिंह जी ईटीओ साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना, जिन्होंने ਸਾਡੇ ਦਸੂਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਵਾਇਆ ਰਾਮਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਸੂਹੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਸੂਹੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਕਮਾਹੀ ਦੇਵੀ ਰੋਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਡ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਮਾਹੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਦਕਿ ਰੂਲਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਡ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2018 'ਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ PCI 1 ਚ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ 2 ਚ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਤੋਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ
इन्हां ने काफ़ी जोर दिता कि ये जी रोड आ मेरे इलाके की बड़ी अहम रोड आ और इनू जल्दी तो जल्दी जड़ा वो बनाया जाए। सो मैनू याद आ कि समय समय से जदों भी अं मिलते होंगे सके उदों इस रोड की ज़्यादातर गल हुंदी सीगी। सो असी इनू अज 4.5 करोड़ 9.5 करोड़ रुपए की लागत के नाल जड़ा इनू जड़ा स्ट्रेंथन कर जा रहे हैं। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के केंद्रीय अजायब घर में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जूनियर उप प्रधान प्रिंसीपल सुरेंद्र सिंह, जथेदार मान सिंह जी हम्बो, बब्बर अकाली जरनैल सिंह जी कालरे, सिख इतिहासकार स्वरण सिंह जी चूसलबेड़, ज्ञानी दलीप सिंह जी, कथावाचक जथेदार रत्न सिंह जफरवाल, संत बाबा चंदा सिंह जी महंत, संत ज्ञानी जंग सिंह रांगी सहित 8 महान व्यक्तियों की तस्वीरें सुशोभित की गई हैं। इन तस्वीरों से पर्दा हटाने की रस्म श्रोमणी कमेटी के सचिव प्रताप सिंह, अकाल तख्त साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी अमरदीप सिंह, श्रोमणी कमेटी के सदस्य भाई मनजीत सिंह सहित SGPC सदस्यों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अदा की गई। इस मौके पर इन महान व्यक्तियों के पारिवारिक सदस्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्रोमणी कमेटी के प्रधान व अन्य नेताओं ने बताया कि महान अजायब घर में उन महान व्यक्तियों की तस्वीरें सुशोभित की जाती हैं जिन्होंने सिख कौम व सिख पंथ की चढ़दी कला के लिए अच्छे काम किए हैं। वे बहुत ही महान लोग होते हैं जिनकी तस्वीरें इस अजायब घर में सुशोभित की जाती हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के केंद्रीय सिख अजायब घर विखे पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मानयोग प्रधान जथेदार एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी जी वालों समुची एजेक्टो कमेटी वालों ये मता पास करके जिन्हां शख्सियतों ने पंथ नूं खालसे कौम नूं बड़मुल्लियां सेवावां प्रदान कीतियां उन्हां दियां तस्वीरां अज केंद्रीय सिख अजायब घर विखे सुशोभित कीतियां गईयां ने। उन्हां दे बारे जिहड़ा विस्थार है वह आप संगतां ने समागम विच सरवण कर ही लिया है। उन्हां सारियां शख्सियतों के परिवारों नूं साख संबंधियों नूं ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲਰਾ, ਮੈਂਬਰ SGPC ਜੋ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕਾਲਰਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਬੱਬਰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਪੂਰੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ, ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬੱਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਟ ਮਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ 8 ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਕੱਟੂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮੁਖੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੰਗਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਬੋ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਫਰਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂਸਲੇਵਾੜ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਰਾ। ਇਹ 8 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਘਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇ ਸ਼ੇਤਰ ਦਸੂਹਾ ਕੇ ਇੱਕ 24 ਵਰਸ਼ੀਯ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੇ ਲਿਸਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਯੁਵਕ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਗਾਉਂ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਹਾਦਸੇ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਮੇਂ 5 ਯੁਵਕ ਸਵਾਰ ਥੇ, ਜਿਨਮੇਂ ਸੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਯ ਯੁਵਕੋਂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਟੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਕੋ 16 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ
कर्जा उठाकर पुर्तगाल भेजा था ताकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह एक रिश्तेदार ने घर आकर बेटे की सड़क हादसे में मौत होने की खबर बताई, जिसके बाद उन्होंने पुर्तगाल में रहते तेजेंद्र सिंह के दोस्तों रिश्तेदारों से संपर्क साधा, जिन्होंने बताया कि काम खत्म कर पांचों दोस्त कार में सवार होकर घर वापस लौट रहे थे। कुछ समय का सफर तय करने के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में उल्टी गिर गई। जैसे तैसे ये सभी कार से बाहर निकल आए, लेकिन तेजेंद्र सिंह बेहोशी की हालत में कार से निकाला गया। साथियों की कई कोशिशों के बाद जब तेजेंद्र सिंह को होश नहीं आया तो उसे पास ही के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने पंजाब और केंद्र सरकार से अपील की है कि बेटे की मृतक देह को पुर्तगाल से जल्द मंगवाया जाए ताकि उसका उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जा सके। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तोड़ा बेटा कदो बार गया सीगा? बाई च गया। हां जी, 9 महीने। किडे शहर च? लिस्बन शहर। ये तुम्हें कदो पता लगा कि ओदी मौत इस तरह हुई? सानू परसों पता लग गया, 9 बजे ओदी गल हुई है। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਏ, ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ ਗਿਆ। 5 ਜਣੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਕਾਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਸੀ ਵੱਡਾ? ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਲੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿੱਲਾ ਡੇਢ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ 9 ਵਜੇ ਹੋਈ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਨ ਸਪੋਟ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਹੋ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से शुरू हुई राइड फॉर कैंसर बाइक रैली का समापन अमृतसर में हुआ। 70 से ज़्यादा उत्साही हार्ले डेविडसन राइडर्स, जिनमें कुछ कैंसर सर्वाइवर भी शामिल थे, ने 600 किलोमीटर की दूरी तय कर राइड फॉर कैंसर रैली में भाग लिया, जिसमें रोग का जल्द पता लगाने, इलाज के विकल्पों और रोग पर विजय पाने के लिए ज़रूरी बातों पर जोर दिया गया। अमृतसर के SBU प्रमुख डॉक्टर विश्वदीप गोयल ने कहा कि बाइक रैली का उद्देश्य भारत में कैंसर के फैलाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोग का शीघ्र पता लगाने व नियमित जांच के महत्व पर जोर देना है। वहीं उन्होंने कहा कि रैली का आयोजन कैंसर सर्वाइवर्स और रोगियों को प्रेरित करने व उनको सपोर्ट करने, उनकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प को उजागर करने के उद्देश्य से किया गया। उन्होंने कहा कि ये मात्र एक रैली ही नहीं बल्कि कैंसर के प्रति जागरूक समाज की दिशा में एक आंदोलन का प्रतीक भी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विश्वदीप गोयल, जोनल डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना अमृतसर। आज अपने सारे मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि अज असी जी कैंसर रैली की है, राइड फॉर कैंसर, वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, वो उपलक्ष्य में असी कैंसर रैली की है। तो अज असी फाइनल समाप्ति जी है अमृतसर विखे हो रही है, ताकि लगभग 60 हार्ले राइडर्स ने जी एक रैली स्टार्ट की गुड़गांव तो मोहाली लुधियाना होंदे हुए रैली फाइनली अमृतसर पहुंची है। तो इस रैली के थ्रू असी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जी कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, जे इनू आप सही समय से आप जांच कराइए, डायग्नोस करिए, तो यह इलाज हो सकता है, तो ये तो पूरी तरह आप हरा सकते हैं। कैंसर अवेयरनैस से असी जो है कि अच्छ रैली की है, साड़ी उम्मीद है कि जी कि असी ये मैसेज ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकी। तो जे आप कैंसर प्रिवेलेंस की कैंसर इंसीडेंस की गल करिए अवेयरनैस बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ये बीमारी बढ़ रही है।
ये आप नहीं कह सकते कि बीमारी दे कोई घाटा होया है, क्योंकि अपना लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोगों का जीवन शैली बदल रही है, खान पान बदल रहा है, अपनी जी लॉन्जिविटी बढ़ रही है कि जी आप जी इनफेक्शस डिजीज़ हैं जी बीमारियां कीटाणुओं तो होंगे ने उन्होंने आप पार पा रहे हैं, तो ये जी दूजिया नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज़ हैं इन्हों तक जोड़े है नंबर बढ़ रहा है। इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल पैदा है। बीइंग ए फीमेल लेडीज़ के कैंसर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी, ब्रेस्ट कैंसर जो कि दुनिया का सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में अगर सबसे कॉमन कैंसर दुनिया में देखा गया है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और उसके बाद इंडिया में अगर देखा गया फीमेल्स में जो सेकेंड कॉमनेस्ट कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है। अर्ली स्क्रीनिंग जो हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर में भी अवेलेबल है और सर्वाइकल कैंसर में भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, तो जो कि डिफरेंट एजेस पे स्टार्ट होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में अगर देखा जाए तो 40-45 ईयर्स की एज से स्टार्ट होता है जनरल पॉपुलेशन जनरल रिस्क ग्रुप में, और सर्वाइकल कैंसर्स में स्क्रीनिंग 21 ईयर्स ऑफ एज से स्टार्ट होती है। और हम लोग ये कैंसर की राइड कर रहे हैं जो कि बहुत स्पेशल राइड है, क्योंकि 4 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल कैंसर डे मनाते हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि लोग अवेयर हों कि कैंसर कोई स्टिग्मा नहीं है, आप इसको इजीली रिकवर कर सकते हो, इससे निकल सकते हो। क्यों? द रीज़न इज़ क्योंकि अगर आप अर्ली डॉक्टर से पास जाएंगे, अगर आपको कोई सिम्टम्स होते हैं तो ये क्योरेबल है। आज की डेट में इंडिया के अंदर इतनी तरक्की हो गई है और हमारे पास बेस्ट ऑफ द डॉक्टर, हमारे पास बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ हैं, तो हम लोग इस अवेयरनेस राइड को दिल्ली गुड़गांव से लेकर और उसके बाद हम लोग राइड मोहाली फोर्टिस मोहाली फोर्टिस लुधियाना करते हुए हम लोग फोर्टिस अमृतसर आए हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को ये बताना कि हम लोग अगर अवेयरनेस कर सकते हैं तो यही एक साधन है, जिसमें लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो। स्वर्गीय हरमीत सिंह माना की याद को समर्पित है जालंधर इमेच्योर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से सीनियर मिस्टर पंजाब और मिस्टर जालंधर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 25 फरवरी को दुआबा कॉलेज में सुबह 10 बजे से करवाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर KS मक्खन बुल्स जिम में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बॉडी बिल्डर्स को इस कंपटीशन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया और कहा कि वे खुद इस कॉम्पिटिशन में विशेष रूप से उपस्थित होंगे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों व उनके बच्चों को अपने साथ लाने की अपील की ताकि वे भी अच्छे स्वास्थ्य की सीख ले सकें। इस मौके पर एसोसिएशन के डायरेक्टर करणपाल सिंह हरी, महासचिव कमरदीप सिंह जिमी ने बताया कि इस कंपटीशन में विजेता प्रतिभागी को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस मौके पर अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। KS मक्खन वालों आप सब प्यार भरी सत श्री अकाल जी। 25 फरवरी जालंधर एमचर बॉडी बिल्डिंग क्लब वालों बॉडी बिल्डिंग कॉम्पीटिशन करवाया जा रहा, जो कि पिछले कई सालों तो यह चलता आ रहा। सो हरमीत सिंह होर की याद के हरमीत सिंह माणा की याद के यह जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पीटिशन करवाया जा रहा। सो इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकी दे काम बाद च पहला सेहत जरूरी है। अज जो जालंधर एमचर बॉडी बिल्डिंग क्लब के जो मैंबर आ जिमी जी हैरी माइकल जी थिंद साहब तो साडा वीर प्रिंस आया कपूरथले तो इन्हों का सारा नाम लश्कर जिन्नी भी इन्हों क्लब के मैंबर है मैं उन्होंने उन्होंने धन्यवाद भी करता तो उन्होंने बधाई भी देना। और नाल दी नाल मैं दसना चाहना कि ये जो उपराला आ काफ़ी सालों तो ये सारे जिमी हुणी हैरी हुणी लैके तुरे आ ये जो तुम अक्सर साढ़े कन्ना सुनने मिलता कि पंजाब दे बच्चे छेवा दरिया नशिया का चल रहा यह जोड़ा उपराला है जो योगदान आ इस क्लब का मैं समझदा कि उसनों एक बन लाने वाली गल है छेवें दरिया नशिया के। सत श्रीकाल जी सारे नू मैं गुरजीत सिंह जालंधर एमचोर बॉडी बिल्डिंग एसोसीएशन का प्रेजिडेंट। असी 25 फरवरी को बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पीटिशन करा जा रहे हैं सीनियर मिस्टर पंजाब एंड सीनियर मिस्टर जालंधर। असी सारे बॉडी बिल्डर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम हुम हुम आके पहुँचो सारे जने सारे इतों इंडियन के ट्रायल भी हो रहे हैं इंडिया बॉडी बिल्डिंग वास्ते। सो सारे जने आओ कॉम्पीटिशन के हिस्सा लो, बट सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखो कि तुम्हारी जी वेट होने वेट सवेरे 9 बजे तो लैके 11 बजे तक वेट होने
11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਣੇ 10 ਕੇ ਅੱਡੇ ਨੇ, 25 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਵਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਸਟਰ ਜਲੰਧਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰੇਗੀ 16-17 ਮਾਰਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫੀਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਓ, 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਇੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੇਇੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। जालंधर के वार्ड नंबर 1 के अधीन आते न्यू इंदिरा कॉलोनी में इलाकावासी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इस सिलसिले में इलाकावासियों की ओर से कई बार नगर निगम के उच्च अधिकारियों और वार्ड में तैनात इंचार्ज को फोन पर व लिखित रूप में शिकायतें भी दी गईं, लेकिन फिर भी समस्याओं का हल नहीं निकला। कॉलोनी में पिछले 3 दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा था, जिसके बाद जब पानी आना शुरू हुआ तो उसमें सीवरेज का पानी मिला होने से उसमें से दुर्गंध आने लगी। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए इलाका वासी शंकर लाल ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी में पिछले 3 महीने से पीने के पानी की दिक्कत आ रही है। इस सिलसिले में कई बार सुप्रिटेंडेंट अश्विनी गिल, एक्सीएन अनुराग महाजन, जय चरणजीत सिंह से फोन पर व उन्हें लिखित रूप में शिकायत भी दी गई, लेकिन हर बार ऊपरी तौर पर समस्या का समाधान हुआ और कोई पक्का हल नहीं निकाला गया। तो वहीं निगम में भी इस संबंधी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो लोगों ने नीचे ही पानी के वाटर कूलर लगवाए। इस दौरान इलाकावासी दीपक ने बताया कि इलाके की 8 गलियों में से सिर्फ 4 गलियों में ही पीने का पानी आता है। उनके साइड की जो 4 गलियाँ हैं उनमें पानी नहीं आ रहा। इस सिलसिले में शिकायत भी दी गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। जब नगर निगम से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने प्राइवेट पानी के वाटर कूलर मंगवाकर पानी पीना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने उच्च प्रशासन से उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल करवाने की मांग की है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम फिरोज कुमार जी। कितने रहते हो? न्यू इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 1। हाँ जी, की दिक्कत आ रही है तुम? सर जी दिक्कत तो बहुत है की दसिए जी, पानी की समस्या भी हैगी है, साड़ी सीवरेज की भी समस्या हैगी है। सीवर घटो घट 2-3 महीने हो गए, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੋਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੱਕਾ ਡੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਟਾ ਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਨਿਕਲਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਗਰਟ ਬੱਤੀ ਪੀ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾੜੀਓ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਟੂਟੀਆਂ ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ 2 ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਮੇ ਬਾਲ ਵ ਯੁਵਾ ਗਾਇਕੋ ਨੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਗਾਇਕ ਵਿਜੇ ਕੌੜਾ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਵੰਦਨਾ ਕੋ ਗਾ ਕਰ ਇਸ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀਨੂ ਸਹਿਗਲ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡੇ, ਬਿਨੀ ਸਾਵਰੀਆ, ਚੰਦਰ ਕਨਹੱਈਆ ਡੋਲੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋ ਕੋ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕੀਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਸ਼ਾਧਿਅਕਸ਼ ਪਵਿੰਦਰ ਬਹਿਲ, ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਬਲਦੇਵ ਆਨੰਦ ਔਰ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਈ ਹੋਈ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਓ ਕੋ ਮਾਂ ਕੀ ਚੁਨਰੀ ਦੇ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੱਡੂਆਂ ਕਾ ਭੋਗ
गणेश जय गणेश जय गणेश अमृतसर के छरटा क्षेत्र के खंडवाला सब डिवीज़न बिजली घर के कर्मचारियों ने सब डिवीज़न के बाहर चाय की दुकान लगाने वाले सोनू के खिलाफ प्रदर्शन किया और उस पर पैसे ऐंठने और धमकी देने का आरोप भी लगाया। इस संबंधी सब डिवीज़न बिजली घर के कैशियर ने बताया कि सोनू चाय वाला करीब 3000 की नकदी लेकर उसके पास आया था, जिसमें से एक नोट नकली निकला। जब उसने सोनू से इस संबंध में बात की तो गुस्से में आकर उसने धमकाते हुए उसकी पगड़ी उतारने की धमकी दी और गाली गलौच किया, जिसके बाद समूह कर्मचारियों की ओर से सब डिवीज़न में धरना दिया गया। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक सोनू के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। दूसरी ओर सोनू चायवाला ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उनसे एक जेई ने पेमेंट जमा करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में कैशियर की ओर से एक नोट जाली बताते हुए उसके साथ बहस की गई। उसने बिजली घर के किसी भी कर्मचारी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इस तरह है भी लास्ट मोमेंट जो काउंटर बंद होने वाला सी, एक साक्षा साढ़े बाहर रेहड़ी लाँदा चाह दी, वो आया सी, उन्हें आन के तो लास्ट मूवमेंट तो मैंने एक डिमांड नोटिस दिता जिंद पेमेंट 3340 रुपये से 3340 रुपये दे के उन्हें पेमेंट की। तो मैं जो नोट चैक किए तो वो नोट एक नकली पाया गया, मैं वापस देने की कोशिश की। वापस उन्हें देने तो बाद मैनू मेरे न गाली गलोच होने लग पाया, मैनू मेरे को उन्हें पैसे खोन की कोशिश की, जेडे मेरे को 3340 रुपये से वह भी खोन की कोशिश की, भी ये खून के तो गालां कढ़न की कोशिश गालां कढ़िया उन्हें मैनू बाहर आउण बाहर गेट ते घेरन की धमकी लाई। मैं रोज़ कैश लैके जाना है, हो सकता भी आने वाले समय के मेरे ते कोई अटैक करावे। मैं सिर्फ हुण ये चाहुंदा है, इन्हें मैनू पग लाउण की धमकी लाई है जी, जिहड़ी पग लाउण की धमकी लाई वह मेरे बर्दाश्त तो बाहर आ। मैनू सर, मैं 25 से 30 साल तो दुकान चला रहा, जिहड़ा कैश खाउण का मसला सर बाद तुहानूं दस दिंदे आ। कल मैं सर एक अमनदीप जई ने मैनू 3340 रुपये दिते है, जिदेज 3340 मेरे को कैश काउंटर से जमा कराए हैं। किस चीज़ें ये ऑर्डर कोई दिता ही नवे कनैक्शन का इन्हें मैनू, ठीक है जी। अच्छा। ये मुताबिक कह दे मुताबिक मैं उत्थे जाके पैसे जमा कराते हैं, जो मैं पैसे जमा कराते सर इन्हें रसीद भी कटती है। रसीद कट्टन तो बाद इन्हें मैनू आवाज़ मारी है 10 मिनट बाद कि तेरा नोट एक जाली है। मैं कहा सर मेरा नहीं है, मैंने इदा जई साहब ने नोट दिता, तो जोड़ा नोट दिता वो बारे मैं कह नहीं सकता तुम्हें, ठीक है। जे तुहाडा कोई इदा हैगा तुसीं फोन करके पुछ सकते हो। ये कहने मुताबिक ये आंदा कि तैनू ऑनलाइन पेमेंट आई सर, मेरी गूगल पे की स्टेटमेंट चेक की जाए, मेरी दुकान की स्टेटमेंट चेक की, कोई पेमेंट नहीं आई। ये सर मेरे तो झूठा आरोप लाया गया, जो अखबार में दिता गया कि जोड़ा मैं बदसलूकी की कैश खोन की कोशिश की है, मैं जो 500 का नोट जाली दिता, मेरे वाले कोई इदा की कोई गल ही नहीं गई सर। पहला तो कैश का मसला है, कैश काउंटर बंद आ, अंदरों लॉक आ, वो तो मैं किदा कर सकता, ये अंदरों निकल के सगो मेरे बाहर आके मेरे हाथी पिया, मेरे गल पिया। जे मेरा दिमाग भी सर इदा होंगे तो मैं भी पै सकता। मैं यही कहना रहा कि इन्हें मुलाजम भराया, सानू हर वेले इन्हां दी लोड़ है, मैं रेहड़ी चलाना बाहर चाह दी। हाँ जी उन्होंने मेरे बारे गल पे है सर, मैं कहना वो मेरे गल पे है, जी पगड़ी लाने की गल सर मैं नहीं की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। शहीद भगत सिंह नगर पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश, एक सदस्य 10 पिस्टल सहित किया काबू। होशियारपुर के हलका गढ़शंकर पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 6 महिलाओं समेत 11 लोगों को किया गिरफ्तार।
श्री आनंदपुर साहिब नंगल मुख्य मार्ग पर एक निजी स्कूल के विद्यार्थियों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, कुछ बच्चों को आई मामूली चोटें। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।